सो हे गाइस, मैं नाम परेश मदनानी, स्वागत करता हूँ आपका एक और नए वीडियो के अंदर। फिल्म बेकार है ना, रुको। सो हे गाइस, मैं नाम परेश मदनानी, स्वागत करता हूँ आपका एक और नए वीडियो के अंदर। आपने लास्ट व्लॉग देखा ही होगा कल रात को, मैंने व्लॉग थोड़ा जल्दीबाजी में बंद कर दिया था। बाकी अब मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही बढ़िया दर्शन हुए, नॉट एक्सपेक्टेड, बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था इतने अच्छे हो जाएंगे, इतने कम टाइम में हो जाएंगे। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। अब देखो, आज का सीन ये है कि रात में तो जल्दी सो गए, तब सुबह उठे हैं। अभी टाइम हो रहा है आई थिंक 11:11 हो रही है। और आज का प्लान ये है कि हमें जाना है पद्मावती टेम्पल, पद्मावती माता मंदिर। जिन लोगों को नहीं पता, एक्चुअली तिरुपति बालाजी भगवान ने पद्मावती माता से शादी करी थी, तो उनके बाद उनके मंदिर नहीं जाओ तो अच्छा नहीं लगता ना। तो आज हमें जाना है पद्मावती माता मंदिर। और क्या बोलते हैं व्लॉग में, हाँ, तो हमारे रूम का चेकआउट टाइम था 11 बजे का, तो हमने उसे एक्सटेंड करके शाम को 7 बजे तक करवाया, क्योंकि मंदिर जाएंगे, आएंगे, खाना वाना खाएंगे, लेट जाएंगे। और फिर मेरी आज रात को ट्रेन है रिटर्न नागपुर के लिए, तो वो थी हमारी 9:40, बट वो लेट हो गई है। IRCTC से मुझे मैसेज आ गया कि वो 1 घंटा 20 मिनट लेट चल रही है, जैसा कि आपने देखा था कि हम अभी भी 5-6 घंटे लेट हो गए थे आते वक्त यहाँ पर, तो जाते वक्त भी होंगे एज ऑब्वियस है, पर अभी 1 घंटा 20 मिनट का मैसेज आया, बस वो बड़े ना। लेट्स सी क्या होता है, मैं रेडी हूँ। हाँ हाँ, क्या लग रहा हूँ, मैं रेडी हूँ। माई डैड इज़ गेटिंग फ्रेश, अब वो रेडी हो रहे हैं, तो अभी हम बस रेडी होके निकलेंगे पद्मावती माता मंदिर के लिए। जैसा भी होगा आपको अपडेट दे दूंगा। चल जस्ट रीच पद्मावती माता टेम्पल। अंदर बहुत भीड़ है, जैसे कि आपको मैंने एक झलक दिखाई, भी अंदर जाऊंगा तो मैं आगे और दिखाऊंगा। बाकी अभी कॉफ़ी पीने आए हैं, क्योंकि सुबह मैंने तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का खा लिया था, बिस्किट वगैरह एंड तो एक आधी चिप्स खा ली थी, तो मेरा तो हो गया। बाकी पिताजी ने कुछ नहीं खाया है तो वो कॉफ़ी पी रहे हैं। लेट्स सी, भीड़ तो बहुत है यहाँ पर भी, 1 से 2 घंटे तो मान के चलो मिनिमम लग ही जाएंगे। चलो देखते हैं, जैसा होता है आपको अपडेट करता हूँ, है ना। चलो आउट का मतलब कि मंदिर से दर्शन वर्शन हो गए पद्मावती माता के, बहुत बढ़िया दर्शन हुए यहाँ पर भी आराम से, मतलब 20-30 सेकंड आराम से लिए हमने शांति से, मतलब हुआ एकदम काम, मतलब जिस काम की ज़्यादा होती है लाइन में, बट ठीक है, हमारा बढ़िया तरीके से हो गया। सो एक्चुअली क्या है ना, मेरे को पता है मैं कुछ दिखा नहीं पा रहा हूँ ज़्यादा। एक्चुअली देखो, साउथ इंडिया के अंदर ना प्रथा, रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, तो यहाँ पे 99% तो किसी भी टेम्पल के अंदर फ़ोन वगैरह, अपना लगेज वगैरह, वॉलेट वगैरह, चाबी, बहुत सारी चीज़ें अलाउड नहीं होती है। तो फ़ोन वहाँ पर लॉकर पर रखना पड़ता है, लगेज भी हमारे लॉकर में था, कुछ भी नहीं, मेरी जेब में बस मेरा एक वॉलेट था, रुमाल और कुछ भी नहीं। ये सीन है, बाकी मैं आपको 2-4 सीन बाहर के दिखा सकता हूँ, मंदिर कैसा है, पूरा प्रांगण बना हुआ बाहर का एरिया, इसके अलावा तो मैं क्या ही कर सकता हूँ।
आई रिस्पेक्ट द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द टेम्पल्स. तो ठीक है, अभी आप ये बाहर का व्यू देखो, कितनी भीड़, क्या है, क्या सीन है. चेक. ऐसा कुछ है मंदिर बाहर से, अंदर का तो मैं आपको बता नहीं सकता. देखते क्या कर सकते हैं. अब हमारा 2:45 हो चुकी है ऑलमोस्ट, और अब हम खाना खाएंगे, फिर हम देखते हैं क्या कर सकते हैं. हमने एक्सटेंड किया रूम का टाइमिंग 7 तक, शाम की 7 बजे तक. फिर वहीं रात में जो ट्रेन है उसका तो मैसेज आ ही गया है कि वो लेट है. लेट सी क्या करते हैं हम आगे, जैसा भी करेंगे आपको अपडेट मिलेगा, है ना. चलो गाइज. एक सिंदूरी पार्क करके एक जगह है, मैं पिछले 24 घंटे से भूखा हूँ. कल दिन में 2 बजे जो मैंने डोसा खाया है, आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा जब हम कैलाशी मंदिर जा रहे थे, उसके बाद से मैंने रात में भी 12:30-1 बजे खाना पैक करवाया था. आई डेंट लाइक द टेस्ट. यहाँ पर पता नहीं नॉर्थ इंडियन का टेस्ट बढ़िया सा नहीं है. यहाँ पर सिर्फ डोसा और इडली सांभर वही सब मिलता था खाया, बार बार एक ही चीज़ खाया भी नहीं जाती है. तो रात में वो पूरा खाना वेस्ट किया. सुबह उठा, रात में चिप्स का पैकेट खा के सोया हूँ, सुबह उठ के एक चिप्स का पैकेट खाया. ऐसे 24 घंटे 2 चिप्स पर जिंदा हूँ मैं, क्या बताऊँ आपको. तो अभी हमें किसी ने सजेस्ट किया कि सिंदूरी पार्क में खाना अच्छा मिलता है, तो वी हैव ट्राइड दैट. तो अभी हम सिंदूरी पार्क के अंदर ही गए थे, जो आपने अभी पूरा देखा वो सिंदूरी पार्क का था. मैंने शूट नहीं किया क्योंकि मैं 24 घंटे से भूखा था, मेरे को खाना मिला, मैं टूट पड़ा ना, फ़ोन वोन साइड रखे यार भाई तू खा ले पहले. बट बेस्ट क्वालिटी, मतलब साउथ में आके मैं जो 2 दिन से देख रहा हूँ कि मुझे ढंग से खाना नहीं मिल रहा, उसके बाद जो मिला है सिंदूरी पार्क में वर्थ इट है. प्राइस थोड़ा हाई है बट ठीक है, चीज़ मिल रही है तो प्राइस देने में कोई दिक्कत नहीं है. मैं अभी सोच रहे हैं कि या तो रूम पर जाके सो जाए थोड़ी देर रेस्ट करें, या तो इस्कॉन टेम्पल जाएँ. लेट्स सी क्या बोलते पिताजी, देखते हैं. चलो
सो हियर वी आर एट द इस्कॉन टेम्पल। तो देखते हैं अभी बैग चप्पल वगैरह सब यहाँ पे रखवाना पड़ता है, रख के फिर अंदर चलते हैं, कैसा क्या सीन है देखते हैं। चलते हमने अभी जस्ट दर्शन किए इस्कॉन मंदिर के। एक्चुअली मैं अंदर तक जितना दिखा पाया ठीक है, उसके बाद अंदर कैमरा फिर अलाउ नहीं कर रहे थे, चिल्ला रहे थे कि कैमरा ऑफ करो, घर बंद करना पड़ा। बाकी बहुत बढ़िया था जितना आपको दिखा पाया, आपने खुद देखा। और ये जो मैंने अभी ये दिखाई है प्रसाद वगैरह, और छोटा सा कैंटीन बनाया प्रसाद भी मिलता है उसके पीछे से। सो दिस वॉज फॉर द इस्कॉन टेम्पल। यहाँ से बाहर निकलते हैं, देखते हैं कहाँ कहाँ हम जा सकते हैं। टैक्सी चलो। सो गाइस हम वापस हमारे होटल आ गए। अरे दो दो प्रवेश। तो अभी हम वापस होटल आ गए। एक्चुअली अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 5:15 और हमें 7 बजे रूम खाली करना है। तो घर में थोड़ा पैकिंग वैकिंग करनी है, थोड़ा रेस्ट भी करें आधा एक घंटा, 7 भी बच जाएगी। 7 बजे रूम खाली करके खाना वाना पैक करवा के दिल्ली स्टेशन जाएंगे, क्योंकि ट्रेन तो अभी लेट ही चल रही है। मैं चेक कर रहा हूँ ऑनलाइन बार बार IRCTC पे, इट्स ऑलमोस्ट 1.5 आवर्स लेट। लेट्स सी क्या होता है, हम तो रेलवे स्टेशन जाके बैठ जाएं, ट्रेन लेट है तो क्या हुआ, हम तो पहले जाके बैठ जाएं। चलो पैकिंग करते हैं और अपन सीधा मिलेंगे चेकआउट पे। चलो गाइज हियर वी आर एट द रेनीगुंटा रेलवे स्टेशन। हमारी ट्रेन जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि 1.5 घंटा लेट चल रही है, तो वो लेट ही है। मैंने फिर से चेक किया है IRCTC पे, तो इसका टाइम है यहाँ पर आने का 9:15 पे और यहाँ से चलने का 9:20, तो 9:15 तो हो ही गए, ट्रेन तो आई है नहीं। मुझे पता है ये कम से कम 1 से 2 घंटा लेट होगी, जब पिछली बार उधर से यहाँ आए थे तो 6 घंटा लेट हो गई थी। लेट्स सी क्या होता है, तो मैं आपको अपडेट क्या ही करूँगा। हमारी पता ठिकाना नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। बाकी मैंने मेरा खाना मैकडी से ऑर्डर किया था, तो मैंने खा लिया है। अब बस वी आर वेटिंग फॉर अ ट्रेन, जैसा भी होगा लेट्स चल।
नागपुर रेलवे स्टेशन सुबह उतरा रेनी गुंटा से वापस शूट वूट मैंने कुछ किया नहीं, क्या है कुछ दिखाने के लिए था नहीं, घर गए वापस से वो अंकल के मतलब मैंने बताया था पापा के फ्रेंड के यहाँ हम लास्ट टाइम रुके थे वापस आते वक्त तिरुपति जाते वक्त रुके थे हम नागपुर में, वहीं पर वापस गए थे फ्रेश फ्रेश हुए, खाना वाना खाया, थोड़ा रेस्ट किया घर पर, उसके बाद बस कुछ रेलवे स्टेशन पर वापस आ गए। तो मैं हाथ में कैमरा उठा रहा हूँ, बाकी मैं थोड़ा बहुत ऐसे कुछ सीन्स ले रहा था, बाकी ट्रेन में सामान वामान करवा दिया, पापा को सेटल डाउन करवा दिया है, मैं बाहर अभी निकला हूँ शूट करने के लिए, और ये रही हमारी ट्रेन, ट्रेन देख लो। तो बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं शूट करने का, अब रात है, खाना में खा के सो ही जाएंगे हम डायरेक्ट ट्रेन में, अब सुबह मिलेंगे इंदौर में। तो ये ब्लॉग अब मैं एंड करूँगा इंदौर में, और अब डायरेक्ट इंदौर में मिलते हैं, ठीक है, चल। So guys, here I'm back in Indoor. यार यहाँ बहुत आवाज़ है, मैं बाद में शूट करूँगा। So guys, I reached my home back. अलग ही खुशी मिलती है यार, मतलब चार पाँच दिन सफ़र करो फिर आप अपने घर में आओ वापस से सुकून। मैं उतरा रेलवे स्टेशन पे, वो हवा, वो ठंडक, खुशबू, लाइक आई कैंट एक्सप्रेस इट, अलग ही फील होता है यार, सुकून मिलता है, अपना शहर अपना होता है, अपना घर अपना होता है। हाँ हाँ आ रहा हूँ, मुझे बुला रहे हैं, सुबह ही 6:45 है, मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगा, बाकी जितने वीडियो डालेंगे 2-3 वीडियो, आई होप आपको सारे वीडियो पसंद आए होंगे, तो बाकी अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर करना, सब शेयर करना अपने सारे दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसे लगे, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, वरना फंबल कर रहा हूँ थोड़ा सा, पता नहीं क्यों ज़्यादा खुशी हो रही वापस आने की। तो चलता हूँ मैं, फिर मिलूँगा आपसे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग से वीडियो के अंदर, तब तक के लिए पीस आउट।